एसी की बात करूं तो इसमें इलेक्ट्रिकली एडजस्टेड एचवैक मिलता है। एचवैक मींस हीटिंग, वेंटिलेशन, एयर कंडीशन। तो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ माय यूट्यूब चैनल लाइट्स एंड ड्राइव्स। तो आज की वीडियो में हम कवर करेंगे महिंद्रा एक्सयूवी 300 W4 यानी कि बेस वेरिएंट, जिसकी सबसे ज़्यादा डिमांड रहती है। एंड आप देख सकते हैं कि बेस वेरिएंट में आपको दूर से ही दिख रहा होगा कि इसमें व्हील कैप्स तक नहीं आते। एंड अब शुरू करते हैं इसके ओवरव्यू से। द प्राइस ऑफ द महिंद्रा एक्सयूवी 300 स्टार्ट फ्रॉम 8.41 लाख बेस पेट्रोल टू ऑल द वे टू 14.07 लाख एक्स शोरूम। इंजन ऑप्शन की बात करें तो इसमें आपको दो इंजन मिलते हैं, दोनों के दोनों टर्बो, पेट्रोल टर्बो, डीजल टर्बो। एंड अब चलते हैं इस कार के बोनट की तरफ एंड देखते हैं इस कार के बोनट के नीचे आपको क्या मिलता है। वैसे ही आपके स्क्रीन के नीचे आपको सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, पहले उसे प्रेस कर लें एंड फिर चलते हैं आगे। दिस इज़ W4 बेस पेट्रोल, दैट इज़ 1200 cc थ्री सिलेंडर पेट्रोल इंजन दैट मेक्स 108 हॉर्स पावर एट 5000 RPM एंड टॉर्क आउटपुट रहेगा इसका 200 Nm एट 2000 to 3500 RPM यानी 2000 RPM से इसका टर्बो ऑन होगा जो कि जाता है 3500 RPM तक। वाइड टॉर्क बैंड एंड 200 Nm टॉर्क इज़ वेरी गुड। एंड पेट्रोल इंजन होने के बावजूद इसमें आपको इंसुलेशन क्लॉथ मिलेगा। डीजल इंजन की बात करें तो दैट इज़ 1.5 लीटर टर्बो डीजल यानी 1497 cc फोर सिलेंडर टर्बो डीजल इंजन दैट मेक्स 115 हॉर्स पावर एट 3750 RPM एंड मैक्सिमम टॉर्क रहेगा इसका 300 Nm एट 1500 to 2500 RPM यानी 1500 RPM से ही इसका टर्बो किक करेगा। शुरुआत करते हैं इसके फिजिकल ओवरव्यू से। आपको फ्रंट साइड आप देख सकते हैं इसकी हेडलाइट्स, आपको रिफ्लेक्टर हेलोजन क्लियर हेडलाइट्स मिलती हैं। इसमें आपको इंडिकेटर भी हेलोजन मिलेगा। यहाँ की साइड आपको अपर वेरिएंट्स में DRLs मिलते हैं, इस वेरिएंट में आपको DRLs नहीं मिलेंगे। यहाँ की साइड टिपिकल महिंद्रा ग्रिल, ओल्ड ग्रिल। एंड यहाँ की साइड आप महिंद्रा की बैजिंग भी देख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 एक स्लॉट बनाने की कोशिश करी गई है, 6 स्लॉट महिंद्रा ग्रिल। एंड बम्पर आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा कुछ दिखाने को नहीं है, बट इट्स मेटलाइज्ड प्लास्टिक, लेकिन बम्पर की क्वालिटी बहुत बढ़िया है। बोनट की तरफ आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको यहाँ कट मिलेगा, यहाँ कट मिलेगा, यहाँ कट, यहाँ कट। बहुत ही मजबूत कार है ये, इंडिया सेफेस्ट कार्स में इसका नाम आता है। एंड अब बात करते हैं इसकी डायमेंशंस की, तो दैट इज़ अंडर 4 मीटर यानी 3995 mm की लेंथ है। विड्थ मिलेगी यानी चौड़ाई 1821 mm, क्लास लीडिंग भी कह सकते हैं। हाइट 1627 mm, बूट स्पेस आपको इसमें 259 liters का मिलेगा। सिटिंग कैपेसिटीज 5 persons कैन सिट एंड ग्राउंड क्लियरेंस इज 180 mm। आप इसके व्हील्स देख सकते हैं, व्हील कैप्स भी नहीं मिलेंगे इसमें। एंड इसमें आपको 16 inches के स्टील रिम मिलते हैं, 205/65R16। एंड फ्रंट साइड सस्पेंशन की बात करें तो दैट इज़ मैकफर्सन स्टट विद एंटी रोल बार। एंड रेयर सस्पेंशन की बात करें तो दैट इज़ ट्विस्ट बीम सस्पेंशन विद कॉयल स्प्रिंग, यानी आपको कंप्लीट बॉडी क्लैडिंग मिलेगी, व्हील आर्च क्लैडिंग, साइड क्लैडिंग। इसमें कोई और टच नहीं दिया गया, ओनली मेटलाइज बेसिक सी क्लैडिंग। यहाँ की तरफ आपको इंडिकेटर दिया है, दैट इज़ ऑल्सो हेलोजन। एंड इसमें आपको मैनुअली फोल्डेबल ORBMs मिलेंगे। जब आप डोर हैंडल भी देख सकते हैं, दैट इज़ ऑल्सो बॉडी कलर्ड। एंड इस कार में आपको वो कीलेस एंट्री नहीं मिलेगी। यहाँ की तरफ आपको इल्यूमिनेशन लाइटिंग भी दी गई है। एंड थर्ड इज़ डिसेंट, इनफैक्ट वेरी गुड आई विल से। एंड इस साइड आप देख सकते हैं ये ब्यूटीफुल सा कट, लेकिन इसके दरवाजे मैं कहूँगा बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। यहाँ की तरफ से तो कुछ ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग है। नो रूफ रेल्स, नो शार्क फिन एंटीना। एंड अब आते हैं इसकी रेयर साइड में। रेयर साइड में आप इसकी लाइट्स देख सकते हैं, आपको ये लाइट्स LEDs मिलती हैं। आपको इंडिकेटर हेलोजन मिलेगा, XUV की बैजिंग। एंड दिस इज़ W4 मॉडल, महिंद्रा की बड़ी सी बैजिंग। यहाँ की साइड आपको कोई कैमरा नहीं दिया गया। आपको बम्पर्स में पार्किंग सेंसर्स मिलेंगे, वो भी दो। यहाँ की साइड आपको रिफ्लेक्टर मिलता है। एंड स्किड प्लेट इसमें आपको थोड़ी अलग सी दी गई है, एंड दैट इज़ ऑल्सो ब्लैक कलर्ड। देखते हैं इसका बूट। बूट आई विल से इज़ डिसेंट, 259 liters, लेकिन यहाँ पे हम्प मैं कहूँगा कि काफ़ी बड़ा है, तो लगेज उठाने में एंड रखने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है।
यहाँ की तरफ आपको पार्सल ट्रे भी नहीं मिलेगी। एयर व्हील आई विल से इज ऑफ द सेम साइज। एंड अब चल के देखते हैं इसकी रेयर साइड आपको क्या मिलेगा। यहाँ की तरफ आप इसके डोर्स देख सकते हैं, बॉटल होल्डर, लेकिन डोर्स में स्पेस अच्छी खासी है। दिस इज द स्पेस फॉर स्पीकर, लीवर, विंडो कंट्रोल, डोर हैंडल। रेयर सीट्स में कितना स्पेस मिलता है एंड देख सकते हैं आप, काफ़ी स्पेस है। हेडरूम अच्छा खासा है, लेग रूम भी अच्छा खासा है। इसमें सीट्स मैंने पूरी पीछे नहीं कर रखी, लेकिन फिर भी इसमें अच्छा खासा स्पेस आपको मिलेगा। एंड शोल्डर रूम मैं कहूँगा, शोल्डर रूम इज़ ऑन अ डिसेंट साइड। डोर हैंडल दिए गए हैं, दिस इज़ इल्यूमिनेशन लैम्प, नो एडजस्टेबल, नो डिटैचेबल हेडरेस्ट, एंड एक फ्लैट सी सीट एंड स्प्लिट सीट्स भी नहीं आती, नो आर्मरेस्ट, बेसिक सी सीट्स, अपोल्स्ट्री मिलेंगी इसमें आपको ब्लैक कलर की। एंड सरफेस मैं कहूँगा इज़ ऑन अ फ्लैट साइड, नीचे की तरफ आपको अच्छा खासा स्पेस मिलेगा। मर्सिडीज़ की ए क्लास आती थी कुछ टाइम पहले, वैसा सा लुक है इसकी रेयर लाइट्स का, काफ़ी बल्की सी लगती हैं। काफ़ी फ्रेंड्स को कंप्लेंट रहती है कि महिंद्रा की फिट फिनिश में प्रॉब्लम आती है, इसकी फिट फिनिश इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन मैं कहूँगा कि ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने अब तक जितनी महिंद्रा की व्हीकल्स कवर करी हैं उसमें फ़िट फिनिश की प्रॉब्लम मैं कहूँगा कि ना के बराबर ही है। देख सकते हैं आप इसके गेट्स, इसकी ये रबराइज कोटिंग देख सकते हैं कि यहाँ पे कहीं भी फ़िट फिनिश में प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा नहीं है कि फ्रंट गेट में, रियर गेट्स में भी कहीं प्रॉब्लम नहीं मिलेगी आपको। थर्ड इज़ ऑन अ वेरी गुड साइड। नाउ लेट्स सी हमें फ्रंट साइड रोज में क्या क्या मिलता है। आप गेट्स देख सकते हैं, इसमें ऑल पावर विंडोज आती हैं, बॉटल होल्डर, एक्स्ट्रा स्पेस, इल्यूमिनेशन लैम्प, डोर हैंडल, विंडो कंट्रोल्स, ORVM कंट्रोल्स, डोर लीवर, दिस इज़ अ प्लेस फॉर स्पीकर, ट्विटर इसमें आते नहीं हैं, आफ्टर मार्केट या एक्सेसरीज के तौर पर लगवाने पड़ते हैं। एंड बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ तो बिल्ड क्वालिटी इज़ वेरी गुड, ड्यूल टोन इंटीरियर्स बहुत अच्छे लग रहे हैं कार में, नो स्टार्ट स्टॉप बटन, बेसिक सा स्टेयरिंग व्हील, अपोल्स्ट्री, मैनुअली एडजस्टेबल सीट्स, कुशनिंग मैं कहूँगा बहुत अच्छी साइड में रखी गई है। और आप देख सकते हैं कितनी डीप सीट्स हैं इसकी, ये पोर्शन कितना उभरा हुआ है, ये पोर्शन कितना उभरा हुआ है फॉर एक्स्ट्रा लंबा सपोर्ट। हैंड लीवर इज़ ऑन अ डिसेंट साइड, गेयर नॉब इसका अच्छा लग रहा है। ये बेस वेरिएंट है तो इसमें आपको हर चीज़ में कॉस्ट कटिंग ही मिलेगी। मैं कहूँगा बटन्स की क्वालिटी बहुत अच्छी है, हेडलाइट लेवलर, लाइट कंट्रोल्स, वॉशर कंट्रोल्स, MID एंड बीच में आपको छोटी सी डिजिटल MID एंड साइड में एनालॉग मीटर मिलता है। एंड आप देख सकते हैं फ्रंट रो सीट्स कितनी कंफर्टेबल हैं, क्योंकि मैंने बताया था कि सीट्स इसकी काफ़ी डीप हैं तो काफ़ी अच्छा सपोर्ट कुशनिंग आपको मिल रही है, लंबार सपोर्ट बहुत अच्छा है। एंड हेडरूम आप देख सकते हैं इज़ ऑन अ वेरी गुड साइड। शोल्डर रूम मैं कहूँगा कि मुझे अब तक नेक्सॉन के लेवल का ही इसमें शोल्डर रूम दिख रहा है। डायनामिक स्वाइपिंग एनविच लेवल काफ़ी अच्छे से मेंटेन करे हैं महिंद्रा ने इस कार में। डिजिटल स्क्रीन ऑन द सेंटर, 3 inches स्क्रीन, एनालॉग स्पीडोमीटर, एनालॉग टैकोमीटर एंड बेसिक सी ड्राइवर इन्फॉर्मेशन आपको इसमें सारी मिल जाएंगी। डोर एजार वार्निंग भी आ रही है, लो फ्यूल वार्निंग, सीट बेल्ट वार्निंग एंड इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मैं कहूँ पर्सनली इसका मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि काफ़ी बड़ा क्लस्टर है, बहुत अच्छी विजिबिलिटी है इसकी। इसमें आपको बेसिक ड्राइवर इन्फॉर्मेशन मिलती है एंड बड़े बड़े एनालॉग मीटर्स मिलते हैं, काफ़ी अच्छी विजिबिलिटी मैं कहूँगा। महिंद्रा के ACs का एयर फ्लो बहुत ही तगड़ा होता है एंड यहाँ की तरफ आपको कोई स्क्रीन नहीं मिलेगी। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं AC के कंट्रोल्स, बेसिक से बटन्स एंड आप ये देख सकते हैं ब्लू एलुमिनेशन फॉर द कोल्ड AC टेम्परेचर। यहाँ की तरफ आप करेंगे तो वो रेड हो जाएगा, लेकिन अब कर रहे हैं हम ब्लू की तरफ। हैजार्ड फंक्शन एंड ग्लव बॉक्स की बात करूँ तो बहुत बड़ा ग्लव बॉक्स आता है इसमें। एंड यहाँ पे स्पेस रखी गई है फॉर द कप्स, यहाँ की तरफ कुछ एक्स्ट्रा स्पेस मिलेगी। AC की कूलिंग बहुत ज़बरदस्त, ट्विटर की जगह रखी गई है यहाँ पे। एंड सन फ्लैप्स की बात करूँ तो यहाँ पे कोई मिरर नहीं दिया गया, को ड्राइवर साइड भी आपको कोई मिरर नहीं दिया गया। एंड यहाँ पे आपको टेंटेड IRVMs मिलते हैं दैट आर मैनुअली एडजस्टेबल। यहाँ की तरफ आप देख सकते हैं कलर बहुत अच्छा लगा मुझे, वाइट कलर, महिंद्रा XUV700 में ही ऐसा प्लास्टिक का कलर यूज़ किया गया है। यहाँ पे आप अपना फ़ोन रख सकते हैं, लेकिन फ़ोन मुझे नहीं लगता कि बड़ा फ़ोन आएगा, छोटा सा फ़ोन ही आएगा। 12-watt adapter, no USB charging ports, no Type-C charging ports
यहाँ रैक्सीन की क्वालिटी मैं कहूँगा ना डिसेंट साइज में, 6 स्पीड गेयर बॉक्स आता है टर्बो पेट्रोल वेरिएंट में। सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो इसमें ABS विद कॉर्नरिंग ब्रेकिंग कंट्रोल्स मिलता है, सीट बेल्ट रिमाइंडर भी मिलेगा आपको इसमें, 2 एयरबैग मिलेंगे, पैसेंजर एयरबैग डीएक्टिवेशन स्विच मिलेगा आपको, टायर पोजिशनिंग स्विच भी मिलेगा। इसी की बात करूँ तो इसमें इलेक्ट्रिकली एडजस्टेड HVAC मिलता है। HVAC मीन्स हीटिंग वेंटिलेशन एयर कंडीशन, स्पेशल टाइप की एयर कंडीशनिंग इस कार में प्रोवाइड करी गई है। आपको स्मार्ट स्टेयरिंग सिस्टम भी मिलेगा एंड स्टेयरिंग इसका बहुत ही लाइट है। बेस वेरिएंट में ही आपको इसमें इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल मिरर्स मिलते हैं, बटन दिया गया है लेफ्ट साइड एंड राइट साइड करने का। इलेक्ट्रिकली फोल्ड नहीं होंगे लेकिन इलेक्ट्रिकली एडजस्ट जरूर होंगे ये। प्लास्टिक की क्वालिटी मैं कहूँगा इज़ ऑन अ वेरी गुड साइड। फिट फिनिश इस कार की काफ़ी अच्छी है, ऐसा नहीं है कि प्राइस कम है तो फिट फिनिश में कोई कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, फिट फिनिश में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा। बटन्स की क्वालिटी, AC वेंट्स, नॉब्स, गियर लीवर, इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छे से मेंटेन करी गई है बेस वेरिएंट होने के बावजूद भी। एंड इसके विंडो कंट्रोल देखिए आपको बढ़िया कितने प्रीमियम लग रहे हैं, हालांकि ये मेटल जैसे लग रहे हैं लेकिन ये मेटल नहीं है, दीज आर प्लास्टिक। फिर ड्राइवर साइड आपको ऑटो डाउन का फंक्शन मिलता है, ऑटो अप का फंक्शन नहीं मिलेगा, एक क्लिक में विंडो अपने आप डाउन हो जाएगी ये देखिए, लेकिन ऑटो अप आपको बटन दबा के ही करना पड़ेगा। रेयर सीट्स मैं कहूँगा कि काफ़ी लो पोजीशन पे रखी गई हैं, काफ़ी इंक्लाइंड हैं, तो इससे कंफर्टेबल सीट्स ये होने वाली हैं। जैसे कि बुलेरो में देखा गया आपने कि सीट्स उसकी फ्लैट थी, तो फ्लैट सीट्स इतनी कंफर्टेबल नहीं होती, ये इंक्लाइंड सीट्स हैं तो इसमें कंफर्ट आपको वे बेटर मिलने वाला है। दैट्स इट गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। होप मैंने सारे स्पेसिफिकेशन W4 वेरिएंट के कवर कर लिए हों, क्या क्या फीचर्स इसमें आते हैं क्या क्या नहीं आते वो मैंने सारे एक्सप्लेन कर दिए हों। एंड डू लीव अ कमेंट इफ़ यू हैव एनी क्वेरी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक द वीडियो, एंड जो जो फ्रेंड्स मेरे चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। थैंक फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में जल्दी।